राजनीतिक तिकड़म में दुश्मनी और दोस्ती का अजब खेल चलता है। राजनीति के खिलाड़ी नेताद्वय किसके रंग में रंग जाएं यह बताना मुश्किल है। कभी कभी जनता जनार्दन को नेताजी के बदले रंग मिजाज के कुछ अजब गजब नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। कुछ इसी तरह का नज़ारा आजकल प्रयागराज के चकिया करबला के सामने अतीक अहमद के कार्यालय पर दिख रहा है। जिस बसपा के बुलडोजर ने अतीक अहमद के विशाल दो मंजिला कार्यालय को जमींदोज कर दिया था, उसी बसपा पार्टी का झंडा उनके ऑफिस पर लहर रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का बड़ा सा बैनर लगा है। अतीक अहमद के टूटे ऑफिस की तरफ से गुजरने वाले लोगों की नजर जब झंडा बैनर पर जाती है तो एक सवाल उनके मन में जरूर उठता है कि आखिर इस आलिशान ऑफिस को तोड़ा किसने था। कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के खास करीबी रहे पूर्व सांसद अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए 2 जून 1996 को लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड में सहयोगी भूमिका निभाई थी। इसके कारण जब बसपा की सरकार बनी तो अतीक अहमद के शानदार ऑफिस पर बुलडोजर चल गया था। उसी अतीक अहमद की पत्नी अब बसपा में शामिल हो गई हैं। टूटे फूटे ऑफिस के शीर्ष पर बसपा का झंडा लहरा रहा है। अतीक अहमद की पत्नी, उनके 3 बेटे जब 5 जनवरी 2023 को प्रयागराज के अलोबी बाग में आयोजित बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में बीएसपी की सदस्यता ले रहे थे तो उन्होंने मंच से कहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ मेरे पति की निकटता ने हमें कभी अनुशासन सीखने नहीं दिया। हम बसपा के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेंगे। उन्होंने कहा था, मेरे पति हमेशा दलितों का सम्मान करते थे और बसपा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कुछ नेताओं ने उन्हें उससे दूर रखा। उन्होंने आगे कहा कि दलितों, पिछड़ों, कमजोरों की रक्षा के लिए उनके बेटे लाठी लेकर खड़े रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से महापौर पद का प्रत्याशी घोषित किया हो, लेकिन 24 फरवरी को हुए दुस्साहसिक उमेश पाल हत्याकांड ने अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन की राजनीतिक उड़ान में अवरोध पैदा कर दिया है। जाने अनजाने उन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। बाहुबली माफिया अतीक अहमद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या में मुख्य आरोपी थे। उनका राजनीतिक ग्राफ इसी हत्याकांड के बाद से गिरने लगा था, लेकिन उन्होंने इस घटना से सबक नहीं लिया। इसी तर्ज पर 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की भी हत्या हो गई। वैसे बसपा सुप्रीमो ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उनके बेटों को पार्टी से नहीं निकाला है, जबकि शाइस्ता परवीन और उनके बेटे उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अभियुक्त हैं। बता दें कि सपा छोड़ने के बाद अतीक अहमद का परिवार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM में शामिल हुआ था। शाइस्ता परवीन और उनका बेटा मोहम्मद अली प्रयागराज में आयोजित पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एक बड़ी जनसभा में शामिल भी हुए थे। शाइस्ता परवीन के MIM के टिकट पर राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने की भी बात चल रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना विचार बदल लिया था। इसके 16 महीने बाद उन्होंने BSP ज्वाइन कर लिया।